मैं भारत विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा ईमानदारी से पालन करते हुए जनता की सेवा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में 155 जवान और जुड़ गए। द्वितीय वाहिनी पीएससी सीतापुर में यह सभी रिक्रूट आरक्षी परीक्षा में पास हो गए। बटालियन में पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। खराब मौसम में इन रिक्रूट आरक्षियों का हौसला जरा भी दिखता नजर नहीं आया। आसमान ने नीली चादर ओढ़ रखी थी और यह आरक्षी बारिश की हल्की फुहारों के बीच बटों और बूटों के साथ कदम ताल मिलाते आपकी सेवा में तत्पर रहने वाली पुलिस पद की गोपनीयता के निर्वाहन की शपथ लेते रहे। इन आरक्षियों को यह शपथ द्वितीय वाहिनी पीएसी के सेना नायक राहुल यादवेंद्र ने दिलाई। पहले हम आपको पासिंग आउट परेड में अनुशासन की मनोहारी छटा को दिखाते हैं। और फिर बताते हैं कि इन आरक्षियों पुलिस कर्मचारियों ने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्ठा लगन ईमानदारी से पालन करने व जनता की सेवा करने की कैसे शपथ ली। अब यह सभी 155 आरक्षी उन्नाव पुलिस के हो गए हैं। ट्रेनिंग में पास होने के बाद अंतता और वाहिद विषय में प्रथम व सर्वांग सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कार विजेता आरक्षी प्रशिक्षुओं को परेड के मुख्य अतिथि द्वितीय वाहिनी पीएसी के सेनानायक राहुल यादवेंद्र ने पुरस्कृत भी किया। पासिंग आउट परेड के बाद आरक्षियों की खुशी देखते ही बनती थी। कभी वह साथियों के साथ आज से समाज की सेवा करने की नई पारी को लेकर और परिवार की जिम्मेदारी के काबिल होने की खुशी उछल कूद कर इजहार करते नजर आए, तो कभी विक्ट्री बनाकर खुशी जताते दिखे। यही नहीं, साथी आरक्षी एक दूसरे को गोद में उठाते भी दिखाई दिए। तो अपने बेटे, अपने पति, अपने भाई की पासिंग आउट परेड को देखने के लिए कोरोना के चलते उनका परिवार मौजूद नहीं रह सका। पासिंग आउट परेड के बाद जिन मुखिया सेनानायक राहुल यादवेंद्र के सानिध्य में आरक्षियों ने ट्रेनिंग ली, उनके साथ भी अपने यादगार लम्हे का फोटो सेशन भी कराते दिखे। पासिंग आउट परेड पर भी कोरोना काल का साया दिखाई दिया। आरक्षी हो या अधिकारी, सभी मास्क लगाए नजर आए, मगर इन आरक्षियों की हिम्मत और लगनशीलता के आगे कोरोना हारता नजर आया। भविष्य में निभाने वाली जिम्मेदारी का जज्बा जीतता दिखाई दिया। दीक्षांत समारोह में उप सेनानायक लक्ष्मी निवास मिश्रा, सहायक सिविलपाल सुजाउल इस्लाम, अभय खान, पीयूष पाठक, धर्मेंद्र कुमार यादव भी मौजूद रहे। पहले हम आपको इन आरक्षियों के पासिंग आउट परेड के सेनानायक राहुल यादवेंद्र ने आई इंडिया से क्या कहा, आइए सुनाते हैं। 155 रिक्रूट्स थे और सभी पास हुए हैं। सबकी पोस्टिंग उन्नाव जनपद हुई है। आज शाम को वहाँ रवाना होंगे।
विगत 8 महीना हो गया लगभग इनको, 6 महीने का प्रशिक्षण होता है, लेकिन बीच में लॉ एंड ड्यूटी लगती रही तो उसकी वजह से प्रशिक्षण अवधि थोड़ी बढ़ गई थी इनकी। अब हम आपको उन किसान पुत्रों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने खाकी वर्दी पहनकर इलाके का गुनाह मिटाने और आपकी सेवा करने की शपथ ली है। मैं यहाँ 2nd बटालियन द्वितीय वाहिनी PSC सीतापुर में प्रशिक्षण कर रहा हूँ और आज मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। मैं अपने सेनानायक महोदय एवं समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी लोगों ने, सभी साथियों ने हमारे ने बहुत अच्छे से प्रशिक्षण लिया और आगे हम लोग देश की सेवा करते हुए जो जो हमारे कर्तव्य है उसकी पूरी तरह परिवहन आह्वान करेंगे। मैं किशनवीर सिंह जिला बिजनौर से हूँ और यहाँ प्रशिक्षण लेके अब हमारी पोस्टिंग उन्नाव पुलिस लाइन में है और वहाँ जाकर हम अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। वो सर एक्चुअली पापा तो एक्सपायर हो गए हम लोग हमारे, और बड़े भाई है वो डॉक्टर है, बाकी ये किसान परिवार से था। मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और यहाँ 2nd बटालियन में मेरा प्रशिक्षण समाप्त हुआ है पूरा। आज पूरी निष्ठा और सभी साथियों ने पूरे लगन से हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया, ना ही कोई गलती हुई, पूरा अनुशासन में रहे सभी ITI PTI जो हमारे गुरुजन रहे, सभी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छे से सिखाया हर चीज़ लेके पैर के जूते से बांधना, सिर की टोपी तक कैसे क्या पहनना, सब कुछ बहुत अच्छा सिखाया है। और आगे भी हमें हिदायत दी गई है कि हम अपने ज़िले में जाने के बाद जहाँ हमारी पोस्टिंग है वहाँ हमें किस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करना है, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं और आज पिताजी मेरे किसान हैं, बड़ा भाई मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में 12 बंकी में पोस्टेड है और आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे साक्षात्कार में मेडल मिला, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। नाम रविंद्र कुमार, मैं आज बहुत खुश हूँ, 2nd बटालियन PSC में आज मेरा प्रशिक्षण पूरा हुआ है और सभी ITI PTI ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण कराया है और आज बहुत खुश हूँ मैं। और मेरे पिताजी जो है CISF में हेड कॉन्स्टेबल हैं, माता हाउस वाइफ हैं और आज बहुत खुशी हो रही है। सर मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि आज मेरा प्रशिक्षण पूरा हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।